नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बात करने वाले हैं खींवसर की राजनीति की सबसे हॉट सीट के बारे में, जहां इस बार होने जा रहा है जबरदस्त घमासान। बीजेपी से रेवत राम डांगा, आरएलपी से कनिका बेनीवाल और कांग्रेस से डॉक्टर रतन चौधरी, तीनों अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। क्या बीजेपी की ये चाल उड़ाएगी डांगा, जो है डांगा के छक्के छुड़ाएगी, या फिर बेनीवाल की कूटनीति का आज जादू चलेगा? आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में राजनीतिक खेल के पीछे पूरी कहानी क्या है और किस तरीके से मामला है। दोस्तों, बीजेपी ने खींवसर उपचुनाव के लिए अपने पुराने और भरोसेमंद जो है चेहरे रेवत राम डांगा पर दावा खेला है। उनके इंटरव्यू में उन्होंने बड़े जोश के साथ बताया कि ये चुनाव वो अकेले नहीं बल्कि खींवसर की जनता के साथ मिलकर लड़ेंगे, और जनता ने इस बार विकास के एजेंडे को लेकर कमर कस ली है। पर क्या उनको जीत हासिल होगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। देखिए, ये जो टिकट है जनता के लिए बांटा गया है, पिछले 20 सालों में से जो विकास रुका हुआ है उसे रफ्तार मिलेगी। इस बार खींवसर की आम जनता, हर 36 कौम मिलकर मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ी है। हम भारी अंतर से जीतेंगे और खींवसर में फिर से कमल खिलेगा, ऐसा कहना है डांगा का। पर दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरएलपी के नेता और नागौर के चर्चित सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी बड़ा दाव खेल दिया है। हनुमान बेनीवाल ने इस बार अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को मैदान में उतारा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे खींवसर की राजनीति में एक नया मोड़ आने वाला हो, और ये दिलचस्प मोड़ आ ही गया है। खींवसर हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है, यहाँ से बेनीवाल परिवार का दबदबा रहा है, चाहे वो खुद हो, जो बेनीवाल खुद हो, या उनके भाई नारायण बेनीवाल, या इस बार की उम्मीदवार उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल। यहाँ बेनीवाल की पकड़ हमेशा से मजबूत रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए मुकाबला आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब सोचिए, एक तरफ बीजेपी का मजबूत संगठन और जो है 20 साल से रुके हुए विकास को लेकर जनता की उम्मीदें हैं, वहीं दूसरी तरफ बेनीवाल परिवार का सालों का दबदबा और कनिका बेनीवाल के रूप में जनता को नया विकल्प मिला है। और कांग्रेस ने भी यहां से डॉक्टर रतन चौधरी को टिकट देकर मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। ये त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, तो खींवसर में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होगा, और हर पार्टी के पास अपने जो है खास मुद्दे हैं। बीजेपी जहां विकास और पार्टी का मजबूत संगठन दिखा रही है, वहीं आरएलपी और हनुमान बेनीवाल का नाम लेके कनिका का नया चेहरा एक अलग सस्पेंस पैदा कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या रेवत राम डांगा की चालें बेनीवाल के गढ़ में जो है कमल खिला पाएंगी, या फिर बेनीवाल की ये चाल उड़ाएगी डांगा के छक्के। अब ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, इस उपचुनाव का अंजाम क्या होगा? क्या जनता इस बार भी बेनीवाल परिवार पर भरोसा करेगी, या बीजेपी के विकास के वादे के साथ जाएगी, या कांग्रेस कोई अप्रत्याशित चाल चलकर सबको चौंका देगी? अपनी राय नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखिए हमारा चैनल। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का, या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिका इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।